दोस्तों पूनम सिन्हा इंडिया की काफी फेमस एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन और प्रोड्यूसर हैं, और अपने एक्टिंग के दौर में इनका स्क्रीन नेम था कोमल। वहीं ये एक फेमस टीवी एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूनम सिन्हा के बारे में। तो शुरू करते हैं इनकी बायोग्राफी से। इनका जन्म 3 नवंबर सन 1949 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। वहीं सन 2022 के हिसाब से इनकी एज है 73 ईयर्स। इनकी हाइट है 5 फीट 9 इंच और वेट है 80 kg। रिलीजन से एक हिंदू है और कास्ट से सिंधी। सन 1968 में पूनम सिन्हा मिस यंग इंडिया भी बनी थी, और इसके एक साल बाद यानी कि सन 1969 में इनकी पहली फिल्म आई जिसका नाम है जिगरी दोस्त। पूनम का जन्म हैदराबाद की एक हिंदू फैमिली में हुआ और इनका बर्थ नेम था पूनम चंद्रमणि। जैसा कि हमने बताया कि सन 1969 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म जिगरी दोस्त की, और इससे ठीक एक साल पहले यानी कि सन 1968 में ये मिस यंग इंडिया भी रही। इसके बाद इन्होंने काफी हिंदी मूवीज में छोटे छोटे रोल किए, और आगे चलकर इन्होंने कुछ मूवीज प्रोड्यूस की। उन्हें में से इनकी दो फेमस मूवी है प्रेम गीत जो कि सन 1981 में आई, मेरा दिल लेके देखो जो कि सन 2006 में आई। अगर हम बात करें कि शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा कैसे मिले, तो यह 27 जून सन 1965 की देर रात की बात है जब ये दोनों पटना से मुंबई के लिए ट्रेवल कर रहे थे। जब पूनम सिन्हा एक शादी अटेंड करने के बाद पटना से मुंबई जा रही थी, और उसी समय शत्रुघ्न सिन्हा भी FTII में एक्टिंग का कोर्स करने के लिए जा रहे थे। और जब ये ट्रेन में बैठे थे तो इनकी सीट अगल बगल थी, यानी कि ये एक दूसरे के सामने बैठे थे और रो भी रहे थे। और ये दोनों इसीलिए रो रहे थे क्योंकि ये अपना सिक्योर हाउस होल्ड छोड़कर आए थे। जब इन दोनों की ट्रेन में मुलाकात हुई, यानी कि इस समय पूनम सिन्हा की उम्र थी 12 साल और शत्रुघ्न सिन्हा की उम्र थी 18 साल। वहीं एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि पूनम ने एक स्कर्ट पहन रखी थी और उस समय ये किसी स्कूल की स्टूडेंट लग रही थी। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने कैजुअल कपड़े पहने थे, और इसी दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम के लिए एक शायरी भी लिखी। पर इस सफर के बाद ये काफी लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहे, जहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पढ़ने चले गए, और पूनम सिन्हा भी उस समय अपना करियर बनाने में लग गई, और उसी समय पूनम सिंह मिस यंग इंडिया भी बनी। तो आखिरकार कुछ सालों बाद ये दोनों शत्रुघ्न सिन्हा के फिल्म मेरे महबूब के मुहूर्त पर मिले। जब इन्होंने एक दूसरे के बारे में जाना तो इन दोनों ने काफी ज्यादा मीटिंग्स की, और इसके बाद ये रिलेशनशिप में आ गए। कुछ सालों बाद इन दोनों ने शादी करने की सोची, पर पूनम सिन्हा की मदर इस शादी के लिए राजी नहीं थी। पर शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा काफी ज्यादा मनाने के बाद 7 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद 9 जुलाई सन 1980 को इन दोनों की शादी हो गई। जैसा कि हमने कहा कि पूनम सिन्हा एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो 16 अप्रैल सन 2019 को इन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया, और डिंपल यादव के प्रेजेंस में इन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने पूनम सिन्हा को लखनऊ की ओर से लड़ने के लिए टिकट दिया, जहां पर ये यूनियन और होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के ऑपोजिट लड़ रही थी। तो ये था इनका कुछ करियर। तो बात करते हैं इनके फैमिली के बारे में। इनके हस्बैंड का नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, और इनसे इनकी शादी 9 जुलाई सन 1980 को हुई। अगर इनके चिल्ड्रन की बात करें तो इनके दो बेटे हैं, लव सिन्हा जो कि पेशे से एक एक्टर हैं, और कुश सिन्हा जो कि पेशे से एक एक्टर हैं। वहीं इनकी एक बेटी भी हैं जिनका नाम है सोनाक्षी सिन्हा, जो कि पेशे से एक एक्ट्रेस हैं। पूनम सिन्हा के एक ब्रदर भी हैं जिनका नाम है पहलाज निहलानी, जो कि पेशे से एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। तो बात करते हैं इनके मनी फैक्टर के बारे में। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो आज के समय इनका टोटल नेटवर्थ है लगभग 20 करोड़ रुपए। वही अगर इनके हस्बैंड शत्रुघ्न सिन्हा के नेटवर्थ की बात करें तो वो है लगभग 131 करोड़ रुपए। तो बात करते हैं इनके कास्ट कलेक्शन के बारे में। इनके पास अपनी मर्सिडीज कार है जिसकी कीमत है लगभग 1 करोड़ रुपए। वहीं ये अपनी टोयोटा फॉर्चूनर कार भी ओन करते हैं जिसकी कीमत है लगभग 50 लाख रुपए। अगर इनके हाउसेस की बात करें तो ये जुहू मुंबई में अपने रामायणा घर में रहते हैं। मैं आज की शाम, चूंकि ये खास कार्यक्रम है और खास शाम है मेरे लिए, जीवन में पहली बार, और वो भी भला हो सिंधियों का और सिंधी यह सहयोग सहयाद्री सिंधु अवार्ड के इस कार्यक्रम का, जिसकी वजह से आज अपनी ही पत्नी को मुझे यह अवार्ड देना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में सहयोग सहयाद्री सिंधु कार्यक्रम में, सिंधु अवार्ड कार्यक्रम में जो मुंबई दूरदर्शन के द्वारा आयोजित किया गया है, मैं मुकेश शर्मा जी को, मोस्ट रिस्पेक्टेड MV कामत जी को, प्रतिभा अडवाणी को, पहलाद नेलानी को, नीता नेलानी को, और अब तमाम भाइयों बहनों को, मैं यानी कि आपका अपना शत्रुघ्न चंद्रमानी
आपको प्रणाम करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।